मैं हमेशा डिस्काउंट देने के खिलाफ रहता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री देने के खिलाफ रहता हूँ। हमको लगता है 500 रुपये का सूप, बट उसको बनाने में 50-60 रुपये लगते हैं। लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमेशा जो क्रॉकरी जो होते हैं होटल्स की, वो मोस्टली वाइट इन कलर होती है। मोस्ट मुबारक हो, गेस्ट के खाने से बाल निकला है। अभी जा करके गेस्ट की गालियाँ सुनो, और गेस्ट के जाने के बाद मैनेजर साहब खड़े हैं, उनके बाद मैनेजर साहब की गाली सुनना, और करो होटल मैनेजमेंट। नमस्कार भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, वीडियो के स्टार्टिंग को देख करके लग रहा होगा कि मैं शायद कोई डीमोटिवेटिंग से वीडियो बना रहा हूँ, बट ऐसी बात नहीं है। आज के इस वीडियो में हम एक सिचुएशन हैंडलिंग के बारे में सीखेंगे कि अगर आपके रेस्टोरेंट में कोई गेस्ट आता है और गेस्ट के खाने से अगर बाल निकल जाता है, तो हम उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे। मतलब बेसिकली हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे कि जो गेस्ट है वो काम डाउन हो जाए, मतलब कि ठंडा हो जाए, और वो सिचुएशन जो है वो आगे नहीं बढ़े। और ऐसी बात नहीं है कि इस सिचुएशन से सिर्फ हम बाल वाले ही गेस्ट को हैंडल करेंगे। जो भी डायलॉग्स होंगे आपके वेटर्स के बीच में, गेस्ट के बीच में जो भी बातचीत होगी, मैं बिल्कुल ही फ्रेज वाइज लिख लिख के डालूंगा इस वीडियो में, तो आप इसी का रेफरेंस जो है बहुत सारे कंप्लेन हैंडलिंग्स के लिए कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लेन हैंडलिंग के बेसिक्स प्रोसीजर्स होते हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो कंप्लेन हैंडलिंग स्किल्स है वो थोड़ी बहुत इन्हांस जरूर हो जाएगी। देखिए, मुझसे बहुत सारे लोग YouTube के ऊपर में, Instagram के ऊपर में, या इवन पर्सनली भी मिलते हैं, तो बोलते हैं कि बॉस, जब से हम होटल इंडस्ट्री में आए हैं तब से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए अपनी लाइफ से। देखिए, मैं मानता हूँ कि होटल इंडस्ट्री में फ्रस्ट्रेशन के बहुत सारे कारण हैं, कि लंबी शिफ्ट है, स्टार्टिंग में कम सैलरी है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इन सारे फैक्टर्स को हटा दें तो जो एक फैक्टर है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है फ्रस्ट्रेशन का, वो है गेस्ट हैंडलिंग। मतलब कभी कभी शिफ्ट पे ऐसे ऐसे गेस्ट आ जाते हैं एक दो के, मतलब वो हमारे पूरे दिमाग को हिला देते हैं और हमारा जो पूरा शिफ्ट है वो बर्बाद हो जाता है। अतिथि देवो भव कह 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 गेस्ट को इतना ज़्यादा सर पे चढ़ा दिया गया, और गेस्ट को भी पता है कि हम कुछ भी करें, हम एक छींकेंगे भी तो इसका हम बहुत बड़ा एडवांटेज ले सकते हैं होटल में। हमें पता है कि गेस्ट गलत है, बट फिर भी हम उस पोजीशन में नहीं है, या हॉस्पिटैलिटी का नॉर्म्स नहीं है कि हम गेस्ट को कुछ भी बोल सके पलट कर। तो इसी बात से हम बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अगर हमने गेस्ट को कुछ बोल दिया तो शायद गेस्ट हमारी कंप्लेन कर देगा, तो हमारी जॉब चली जाएगी, प्रमोशन रुक जाएगा। बहुत सारे जो नए लड़के होते हैं वो डर जाते हैं इन सब चीज़ों से, और उनके दिमाग में बिल्कुल ये बिल्कुल निगेटिविटी जो है वो फैल जाती है इस इंडस्ट्री के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं। एक बात मैं और आपसे शेयर करता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि होटल इंडस्ट्री में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अच्छे से सक्सेसफुल होना है, अच्छा पैसा कमाना है और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, तो आपके पास चाहे कोई भी क्वालिटी नहीं हो, बट एक क्वालिटी जो है आपके पास जरूर होनी चाहिए, एंड दैट इज़ कस्टमर हैंडलिंग और सिचुएशन हैंडलिंग। अगर आपको सिचुएशन हैंडलिंग नहीं आती है, अगर आप गेस्ट से डर जाते हैं, या गेस्ट के सामने आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते हैं, तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत पीछे रह जाएंगे। चाहे आप F&B सर्विस से हों, फूड प्रोडक्शन से हों, फ्रंट ऑफिस से हो, हाउसकीपिंग में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में आप रहेंगे तो आपको कंप्लेंट्स फेस करना ही पड़ेगा पूरी लाइफ टाइम। चाहे आप वेटर हो या होटल के जनरल मैनेजर हो, आपको हर लेवल पर कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स आनी चाहिए। अगर आपकी कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है, तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे प्रोफाइल पे, अच्छी सैलरी में बहुत जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि लोगों का आपके ऊपर भरोसा रहेगा। बैक टू द टॉपिक, कि हम बात करने वाले आज के वीडियो में कि एक गेस्ट है वो हमारे रेस्टोरेंट में आया है, एक वेटर ने, अगर पहले मैं मानता हूँ कि मैं वेटर हूँ और वो गेस्ट आया है, मैंने उस गेस्ट को बड़े अच्छे से वेलकम किया, मैंने गेस्ट को बिठाया उसके टेबल पर, उससे ऑर्डर लिया बड़े अच्छे से, ऑर्डर लेने के बाद हमने गेस्ट को खाना सर्व किया, बिल्कुल करेक्ट खाना उसके टेबल तक पहुँचा, हमने खाना वाना सर्व कर दिया। सर्व करने के बाद मैं गया, मैंने गेस्ट से पूछा भी फीडबैक कि आई होप यू आर एंजॉइंग योर मील, या हाउ इज़ द फूड सर, आई होप यू आर एंजॉइंग योर डिनर। मैंने जो भी चीज़ें थी मैंने गेस्ट से पूछा, और गेस्ट ने बोला कि हाँ, मेरे को खाना जो है तुम्हारा बहुत अच्छा आ रहा है। तो यहाँ तक कंप्लेन नहीं है। लेकिन गेस्ट खाते खाते अचानक क्या हुआ कि गेस्ट के खाने में से बाल निकल गया। अब देखिए, बाल निकलना एक इतना कॉमन प्रॉब्लम है आज के डेट में, कि चाहे एक कोई ढाबा हो या बड़े से बड़ा 5-star होटल, बाल का जो कंप्लेन है वो पता नहीं किधर से बाल खाने में कभी ना कभी आ ही जाता है। जो भी लोग ऐसे इंडस्ट्री वाले लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं जरूर रिलेट करेंगे, या जो लोग इस इंडस्ट्री में आएंगे वो भी इस इन फ्यूचर जो है इस कंप्लेंस को हैंडल करेंगे ही। तो अगर गेस्ट के खाने से बाल निकल गया, तो अभी अचानक गेस्ट ने
एनोनिमसली किसी को भी बुलाया, क्योंकि अभी गेस्ट को तो लेना देना है नहीं कि नहीं आनंद मिश्रा ने अगर मुझे सर्विस की है तो मैं आनंद को ही बुलाऊंगा कंप्लेन करने के लिए। गेस्ट ने किसी को भी बुलाया। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं उस सेक्शन का वेटर हूँ, मुझे गेस्ट ने हाथ दिखाया, मैं गेस्ट के पास पहुंचा, बिकॉज अभी तक तो सब कुछ सही था। मैं गेस्ट के पास मुस्कुराते हुए पहुंचा और मैंने बोला यस सर हाउ मे हेल्प यू, मतलब कि हाँ जी सर मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, बिकॉज अभी तक मुझे पता नहीं है कि जो गेस्ट है वो मुझे कंप्लेन करने के लिए बुलाया है उसने। तो इन दिस टाइम आई एम स्माइलिंग और मैं जाकर के मैंने गेस्ट से क्या बोला, यस सर हाउ मे हेल्प यू। अभी गेस्ट ने बोला कि बॉस आपके सूप में बाल है या सैलेड में बाल है या किसी भी चीज में, उसके खाने से बाल निकला है। नंबर वन रूल इस केस में, कभी भी गेस्ट के खाने के अंदर ऐसे मत घुस जाओ झांकने के लिए कि हाँ बाल कहां पर है। डू नॉट ट्राई टू बी अ रॉबिन हुड, क्योंकि गेस्ट को लगेगा कि ये मुझे डिफेम कर रहा है और ये बिल्कुल ही देख रहा है कि कहां बाल है। गेस्ट के खाने पर से वो डिश उठाओ एंड जस्ट गिव अ कर्सरी लुक, देखा कि हाँ अच्छा बाल है, और उसके बाद जो आप हंस रहे थे, मतलब द मोमेंट द गेस्ट हैज टोल्ड यू कि आई फाउंड अ हेयर इन द फूड, आपके चेहरे पर से वो जो स्माइल है वो गायब हो जानी चाहिए। आपके चेहरे पर बड़ा ही अपोलोजेटिक फेस होना चाहिए, बिल्कुल कि नहीं आप इम्पेथाइज कर रहे हैं गेस्ट के साथ कि सर आप मैं अगर आपकी जगह होता तो मुझे कितना बुरा लगता है इस चीज़ में। अभी आपने बिल्कुल अपोलोजी वाला फेस दिखाया और अब आप क्या बोलेंगे, ओ आई एम सो सॉरी फॉर दिस ऑफुल एक्सपीरियंस सर, मतलब आपका जो इतना खराब एक्सपीरियंस हुआ है मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ। फर्स्ट केस में आप क्या करेंगे कि आपने बोला ओ आई एम सो सॉरी फॉर दिस ऑफुल एक्सपीरियंस सर, प्लीज अलाउ मी टू रिप्लेस योर सैलेड या प्लीज अलाउ मी टू रिप्लेस योर सूप या जिस भी डिश में बाल निकला है आप उस डिश का नाम बोलोगे, ठीक है। दिस इज केस नंबर वन। आप किचन में जाओ और किचन में जाने के बाद अब आप शेफ्स वगैरह को बताओ दिखाओ एंड देन टेक द फूड अ न्यू फूड सर्व द फूड, उसके बाद फीडबैक वगैरह ले लो एंड देन द केस इज स्टार्टेड। नाउ दिस इज केस नंबर वन। केस नंबर टू क्या है कि गेस्ट ने, अब देखिए आप एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, रेस्टोरेंट में खाना खाते खाते आपके खाने में अगर बाल निकल गया तो कभी कभी आपका जो मन है वो खराब हो जाएगा, आपके एक सबकॉन्शियस माइंड में आएगा कि यार मैं इतने मजे से खाना खा रहा था मेरे को खाने में बाल निकला, नाउ आई डोंट वॉन्ट टू हैव दिस फूड। नाउ इन द सेकेंड केस गेस्ट ने आपको क्या बोला कि नो नो आई डो नॉट वॉन्ट टू हैव दिस सैलेड और सूप जिसमें से भी बाल निकला था, गेस्ट के साथ बिल्कुल आर्ग्यूमेंट मत करो कि नहीं सर मैं आपके लिए नया सूप बनवाता हूँ, ये करवाता हूँ, वो करवाता हूँ, कुछ नहीं। The guest has told you, no, I do not want to have this soup. He will not have this soup. आपने उस सूप को हटा दिया, बस अब आप एक फॉर्मेलिटी में एक लाइन बोलोगे गेस्ट में, मे आई ऑफर यू एनीथिंग एल्स सर। अभी आपको पता है कि गेस्ट नहीं लेगा, बट एज अ प्रोफेशनल आपका एक फर्ज बनता है कि आपने एक फॉर्मेलिटी में पूछा, मे आई ऑफर यू एनीथिंग एल्स सर, क्या मैं आपको इसके बदले में कुछ और दे सकता हूँ। नाउ यू नो द आंसर द गेस्ट इज गोना डिनाई, बट एटलीस्ट आपने एक फॉर्मेलिटी दिखाई। देखिए बहुत सारे कैप्टन्स और मैनेजर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे ज़रूर से। दोनों केस में जब पहली बार जब आपने गेस्ट को नया सूप ला के दिया और दूसरी बार जब गेस्ट ने डिनाई किया कोई भी सूप वगैरह लेने के लिए, आप दोनों केस में जाकर के अपने सीनियर को, ऑब्वियसली मैं अपने सीनियर को या शिफ्ट इंचार्ज को बोलूँगा कि सर फलाने नंबर टेबल पर ये प्रॉब्लम हुआ था, आप जाकर के एक बार गेस्ट से बात कर लो। और मैनेजर्स और कैप्टन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई टेबल्स पर कंप्लेन आता है तो उसको जाना चाहिए और गेस्ट से बात करना चाहिए। अगर मैं मैनेजर हूँ उस रेस्टोरेंट का, मुझे उस गेस्ट से बात करने जानी है, तो सबसे पहले मैं उस वेटर से पूरी बातें पूछूंगा कि अच्छा खाने से बाल निकला, कहाँ से निकला, सूप में से निकला, अच्छा कैसा क्या तुमने क्या बोला, अच्छा सर मैंने बोला रिप्लेस करता, अच्छा गेस्ट ने क्या बोला, नाउ आई नो द स्टोरी। नाउ यू इमेजिन कि आपने अगर गेस्ट अपने स्टाफ से ये सब बातें नहीं की और आप डायरेक्टली पहुंच गए टेबल पर, हाई सर माय नेम इज आनंद मिश्रा, व्हाट इज द प्रॉब्लम सर, जो गेस्ट है वो और भड़क जाएगा, मतलब बॉस वो गेस्ट यहाँ पर यही तो बताने नहीं आया है कि हाँ मेरे खाने से बाल निकला, मेरे खाने से बाल निकला। एज अ मैनेजर और एज अ सीनियर यू शुड बी अवेयर बिफोर अप्रोचिंग द टेबल कि इस गेस्ट का क्या प्रॉब्लम हुआ था और अभी तक इस गेस्ट को क्या सोल्यूशन ऑफर हुआ है। नाउ इन द सेकेंड केस व्हेन द गेस्ट हैज डिनाइड कि ही इज नॉट गोना हैव एनी रिप्लेसमेंट, आपका एज अ मैनेजर और एज अ सीनियर फर्ज बनता है, आप बोलोगे सर आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट यू फाउंड अ हेयर इन द सूप, मे आई ऑफर यू एनीथिंग एल्स और कैन आई गेट एनीथिंग एल्स फॉर यू, एज अ फॉर्मैलिटी आपको ये बात बोलनी पड़ेगी। आप अपना कार्ड दे दो, गेस्ट से फीडबैक ले लो, जो भी करना है वॉट एवर यू कैन डू, फीडबैक तो एनी वेज हम मील के बाद लेंगे, आप अपना कार्ड वगैरह दे दो, बोलो सर आई एम रियली सॉरी अगेन, इन फ्यूचर वी आर डेफिनेटली गोना टेक केयर, माई नेम इज आनंद मिश्रा, दिस इज माई नंबर, यू प्लीज गिव मी अ कॉल, मतलब गेस्ट के साथ आपने एक रिलेशनशिप बनाया एंड देन यू हैव प्लीज इंजॉय योर मील, आई एम रियली सॉरी अगेन सर एंड देन यू लीव द टेबल। Now this is how you're moving so far. तीसरा केस क्या होता है इस सिचुएशन में,
तो गेस्ट कुछ हरामी टाइप से गेस्ट होते हैं, उनका मतलब ही होता है कि नहीं हम कुछ सीन बनाएंगे, पंगा करेंगे, एंड यू नो द थिंग्स एस्केलेट्स। अभी तीसरे गेस्ट बोले कि नहीं भाई अपने मैनेजर को बुलाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। ठीक है, अभी आप एज अ वेटर गए, मैनेजर को बोला कि सर उस गेस्ट के साथ ये हुए, खाने में बाल निकला, वो सीधा मैनेजर को बुला रहा है, हमारे से बात नहीं करेगा। नाउ इन दिस केस व्हेन द सीनियर अप्रोचेस, हम वही बातें बोलेंगे, आई एम रियली सॉरी टू हियर कि आपके खाने में बाल निकला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके बाद जो है, देखिए गेस्ट के खाने से बाल निकला है, आपकी गलती है, आप इस बात को मानते हैं, वो बाल चाहे गेस्ट का हो कुछ भी का हो, इस चीज़ को प्रूव करने में बहुत टाइम लगेगा। और मैं हमेशा डिस्काउंट देने के खिलाफ रहता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री देने के खिलाफ रहता हूँ, बट इन सब केसेस में कि अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाए, हो सकता है कि वो जाकर के ट्रिप एडवाइज़र पे, मेक माई ट्रिप वगैरह पे जाकर के लंबा चौड़ा कंप्लेन लिखे, अगर 10% डिस्काउंट देने से आपका ये केस बन सकता है, अच्छा वाई कांट बी ऑफर अ 10% डिस्काउंट। अगर एक नया सूप हम बनवा करके दे देंगे और गेस्ट काम डाउन हो जाएगा, वाई कांट, बिकॉज सी गिविंग अ फूड रिप्लेसमेंट इज वेरी चीप। हमको लगता है 500 रुपये का सूप, बट उसको बनाने में 50-60 रुपये लगते हैं। ठीक है, तो अगर हम 10% या 20% डिस्काउंट दे करके या एक सूप एक्स्ट्रा दे करके अगर हम गेस्ट को खुश कर सकते हैं या कंप्लेन अवॉइड कर सकते हैं, वी शुड डेफिनेटली डू इट। एंड इवेंचुअली आपका ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो गेस्ट आपके रेस्टोरेंट में आया है, ही हैज टू लीव हैप्पी, बिकॉज वी आर हियर फॉर रिपीट बिजनेस। तो ये हुआ पूरा केस कि हम कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। देखिए खाने में से जो बाल निकलता है ये बड़ा ही कॉमन प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं आपको कुछ सोल्यूशन बताता हूँ कि ये केस हो ही ना, कि मतलब हमें क्या करना चाहिए अपने हिसाब से कि ये जो सिचुएशन है, ये जो कंप्लेंट्स है, मिनिमाइज है। नंबर वन ये है कि जब भी कि सबसे पहले तो किचन वालों को अपने सेफ्टी गियर का ध्यान देना चाहिए कि वो हमेशा कैप पहने हैं, हाथ में ग्लव्स पहने हैं, उन्होंने प्रॉपरली ग्रूम्ड है, खाना बना रहे हैं, किचन में आसपास सफाई है। दूसरा कि जो भी वेटर खाना लेकर के आ रहा है रेस्टोरेंट से टेबल तक, प्लीज़ मेक श्योर कि जो खाना है वो कवर्ड आ रहा है, वो खुला नहीं आ रहा है। तीसरा, जो भी गेस्ट का जो टेबल है जिस पे खाना सर्व हो रहा है, सोफ़ा वगैरह, जहाँ पे जो आसपास का एनवायरनमेंट है, दीज आर प्रॉपरली क्लीन्ड, और मतलब वहाँ पर कोई भी डर्ट या डेब्रिस नहीं हो जो खाने में पहुँचे। चौथी चीज़ है होती है ये कि जो भी हम क्रॉकरी यूज़ करते हैं, मतलब जो प्लेट्स या बाउल्स जो भी हम यूज़ करेंगे, वी हैव टू इंश्योर बिफोर पुटिंग ऑन द टेबल कि उस प्लेट के अंदर में कोई बाल वगैरह नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमेशा जो क्रॉकरी जो होते हैं होटल्स की, वो मोस्टली वाइट इन कलर होती है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। क्यों होती है? इसका यही रीज़न होता है क्योंकि वाइट पे हम कोई भी चीज़ें जो है आसानी से देख लेते हैं। अगर वाइट पे बिफोर सर्विंग द डिश हमने देखा कोई बाल है, तो वी कैन इजिली क्लीन इट और गेट अ फ्रेश प्लेट एंड सर्व इट ऑन द टेबल। सो दिस इज हाउ वी कैन मिनिमाइज इट फ्रॉम आर एंड। बट फिर भी बात यह है कि अगर गेस्ट के टेबल पर बाल निकल ही गया है तो गेस्ट गोली तो मारेगा नहीं, तो आप काम से, सबसे पहली बात है कि डरिएगा मत, आराम से गेस्ट से बात करें। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरा नाम आनंद मिश्रा है, टेक केयर गाइस, बाय बाय।